आज हम पढ़ेंगे फॉर्मूला मेकिंग के बारे में। अब देखो, अगर हमें किसी भी चीज का फॉर्मूला मान लिया हमने गलत लिख दिया तो हमारी सारी की सारी केमिकल रिएक्शन गलत हो जाएगी। अगर हमें बैलेंसिंग के क्वेश्चन दिए जाते हैं तो उनमें भी हमारी गड़बड़ हो जाती है। तो इसके लिए देखो क्या तरीका है। अब देखो, इधर जो मैंने आयंस लिखे हुए हैं ना, ये तो हमें याद ही करने पड़ते हैं भाई। जैसे NO3 नेगेटिव को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रेट आयन बोलते हैं। CO32 नेगेटिव को क्या बोलते हैं, कार्बोनेट आयन बोलते हैं। ये तो हमें ना याद करने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन अब जो हमारे पास में जो मेटल वाले आयंस हैं जिनका हमें एटॉमिक नंबर पता है, देखो फर्क क्या है, हम इनका क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि देखो ये है सिंगल सिंगल एटम आपके पास में, और अगर सिंगल एलिमेंट के बारे में, सोडियम का एक एटम है इसके बारे में दे रखा है, लेकिन वहां पर देखो पूरा का पूरा SO4 यानी कि चार एटम्स है उसके अंदर, तो इनका जो चार्ज होता है ना आयंस का फिक्स होता है आपके पास में। हाँ, इनका निकाल सकते हैं, जैसे O का निकाल दिया, S का निकाल दिया, F का निकाल दिया, Cl का निकाल दिया, ठीक है। अब मान लिया आपको बोल दे कि कोई एल्यूमिनियम का कंपाउंड है, सपोज जैसे उन्होंने आपको क्या दे दिया, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। अब देखो पहली बात तो हमने क्लोराइड नाम का तो कुछ पढ़ा ही नहीं था, हमने ये पढ़ा था भाई Cl होता है क्लोरीन, 17 नंबर पर आता है। लेकिन हम क्लोरीन कब लिखते हैं, जब इस Cl के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन जब ये अपना जब किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले ले, जैसे मैं 17 की लिखूं तो क्या हो जाएगी, 287। अब इसने क्या करा, किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये क्या बन गया, एक लेने के बाद में Cl नेगेटिव बन गया। तो अब इसका नाम हम क्लोरीन ना लिखकर हम क्या लिखेंगे, क्लोराइड लिखेंगे। ऐसे ही अगर हम फ्लोरीन का देखें तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, हम क्या लिखते हैं नॉर्मल नाम इसका, फ्लोरीन। इसकी कॉन्फिगरेशन लिखे तो 28, सॉरी ये हो जाएगी 287, 7 और 1 8 हो गए ना 9 पूरे, तो यानी इसके आउटर मोस्ट में कितने हैं आपके पास में, 7। तो ये भी किसी से एक इलेक्ट्रॉन को लेकर और क्या बना देगा आपके पास में, F नेगेटिव। अब ध्यान से देखो, F नेगेटिव कब बना, एक नेगेटिव का साइन मतलब एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा, दो होते तो यानी दो इलेक्ट्रॉन लिए थे। अब देखो जब खाली F है, कोई इसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं, तो नाम था फ्लोरीन, पर ये नेगेटिव चार्ज आते ही इसका नाम भी क्या हो जाएगा आपके पास में, फ्लोराइड। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है F नेगेटिव होता है फ्लोराइड, Cl नेगेटिव होता है आपके पास में क्लोराइड, ठीक है। अच्छा एक दो चीज और इसमें देख लेते हैं पहले, उसके बाद फिर उसका हम फॉर्मूला लिखेंगे। देखो अब जैसे इसमें दो आयन्स और दे रखे हैं, एक तो आपका ऑक्साइड दे रखा है और एक दे रखा है सल्फाइड। अब इनका भी अगर हम भूल जाए तो हम इनका निकाल सकते हैं कैसे, देखो हम बात करें सल्फर की, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16, या पहले उससे पहले हम ऑक्सीजन का देख लेते हैं, थोड़ा सा आसानी हो जाएगी हमें। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, हम कैसे लिखते हैं, 2 और 6। अब देखो यहाँ आउटर मोस्ट कॉन्फिगरेशन उसको पूरी करनी है, पूरी कब होगी, जब यहाँ पर 8 आ जाए आपके पास में, यानी के शेल थी, एल में भी ये पूरे हो जाए, और एल पूरी कब भरेगी, जब यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा तो क्या बना दे, 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो देखो मैंने क्या लिखा, 2 नेगेटिव। अब इसका नाम तो क्या था, ऑक्सीजन, जब तक कोई चार्ज नहीं था, ये 2 नेगेटिव आते ही इसका नाम क्या हो गया, ऑक्साइड। ऐसे ही सल्फर में क्या नाम था आपके, सबके चेंज नहीं होते ये नाम, कुछ के ही चेंज होते हैं, वही हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। जैसे सल्फर का 16 होता है तो हम क्या लिख देते हैं, 2, 8 और 6। इसको भी कितने चाहिए, इसको 8 पूरे करने के लिए, नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए। अब देखो इसके पास कितने थे, 2 और 6, तो अगर इसके पास में 10 हो जाते तो नियोन, जो कि 10 नंबर पे आती है नोबल गैस, जिसका क्या होता है 2, 8, ये उसकी तरह बन जाता है, इसीलिए इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए। अब जैसे आपके पास में आर्गन होता है 18 नंबर पे नोबल गैस है, ये कब बनता है, 2, 8, 8, तो इसके जैसा बनने के लिए क्या कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, क्योंकि जितने भी एटम्स है पीरियोडिक टेबल में सब अपने आप को नोबल गैस के जैसा बनाना चाहते हैं ताकि वो क्या हो जाए, स्टेबल। तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, 2 नेगेटिव चार्ज, और इसको अब हम क्या नाम दे देंगे, सल्फाइड। मैंने उधर लिखा हुआ है सल्फाइड, ठीक है। एक नाम और है वो और देखते हैं फिर हम आगे चलेंगे, ताकि इनमें कुछ कंफ्यूजन ना रह जाए बस आपकी, ठीक है। जैसे एक ना नाइट्रोजन का और होता है आपके आपके पास, मैंने शायद यहाँ लिखा नहीं है, एक होता है आपके पास में N3 नेगेटिव, इसको बोलते हैं हम नाइट्राइड आयन। ये कैसे बना, देखो नाइट्रोजन के ऊपर एटॉमिक नंबर होता है 7, हाँ 7 होता है,
तो दो और पांच, अब इसको भी यहाँ पे आठ पूरे करने, अभी पांच किसी को देगा तो है नहीं, क्योंकि चार से कम वाले किसी को देते हैं सिर्फ, अगर यहाँ पे होता आपके पास एक दो तीन तो किसी को दे देते, पर पांच छह सात वाले लेते हैं, तो इसको आठ बनाने के लिए तीन इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये किसी से तीन इलेक्ट्रॉन ले लेगा और क्या बना देगा, एन थ्री नेगेटिव। ठीक है, तो ये था आपके पास नाइट्रोजन और इसका नाम आपके पास में क्या हो गया, नाइट्राइड। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई, बाकी सबको हमको याद करने पड़ेंगे, बस इनमें कंफ्यूज मत करना। CO3 के ऊपर टू नेगेटिव है, नाम है कार्बोनेट, लेकिन HCO3 के ऊपर वन नेगेटिव चार्ज है और ये होता है हाइड्रोजन कार्बोनेट। एक छोटी सी चीज और देख लेते हैं, जैसे जो आयरन होता है इसके ऊपर ना दो चार्ज आपको मिलते हैं, एक मिलता है Fe2 पॉजिटिव, एक मिलता है Fe3 पॉजिटिव। ठीक है, या पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं, इस चीज को मैं बाद में बता दूंगी। देखो जैसे एल्यूमिनियम का सिंबल क्या हो जाएगा आपके पास में, Al, ठीक। क्लोरीन का क्या सिंबल होता है, Cl होता है आपके पास में। ठीक है, अब देखो एल्यूमिनियम के ऊपर कितना चार्ज था, 3 पॉजिटिव, तो इसके नीचे हम लिख देंगे 3। क्लोरीन के ऊपर कितना होता है, 1। फिर हमको क्या करना पड़ता है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, प्लस माइनस नहीं लिखना होता जब हम फॉर्मूला बना रहे होते हैं। तो एल्यूमिनियम के साथ में क्या गया, 1, और क्लोरीन के साथ में क्या गया, 3। तो आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला बन गया। ठीक, यहां तक बात समझ में आई। अब जैसे और करके हम देखते हैं, फिर आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना तो ये चीज तो हो जाएगी, बस थोड़ा सा आयन याद करने पड़ते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, जैसे मैं हाँ थोड़ा सा अलग वाला देखते हैं, जैसे मैंने एक नाम लिखा मैग्नीशियम सल्फेट, अब उधर ध्यान से देखो सल्फेट का क्या है आपके पास में, मैग्नीशियम का सिंबल हो गया आपका Mg, सल्फेट का क्या है SO4, ऊपर टू नेगेटिव है बिल्कुल है, उसको हम यहाँ नीचे लिखेंगे, नेगेटिव साइन के साथ नहीं लिखना, सिर्फ जितनी उसके पास वैल्यू है वो लिख देंगे हम, और मैग्नीशियम के ऊपर कितना होता है 2, ये हम निकाल भी सकते हैं मैग्नीशियम का तो सीधा। फिर क्या करना होता है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, लेकिन अगर यहाँ पर जो ये वर्ड्स आपने लिखे हैं, जो वैल्यू लिखी है, अगर ये कटती है किसी टेबल पर तो आप काट सकते हो, जैसे 2 1 2 2 1 2, तो क्या बच गया 1 1। अब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, Mg के साथ भी 1 और SO4 के साथ भी 1, और ये SO4 क्या है आपका इकट्ठा आएगा। ठीक है, और एक बात और याद रखना, हमेशा जो पॉजिटिव चार्ज वाली वैल्यू आती है ना वो पहले लिखते हैं और नेगेटिव वाली हमेशा बाद में लिखी जाती है। ठीक है, एक एग्जांपल और मैं बताती हूँ जैसे आपको, उसके बाद फिर आप लोग प्रैक्टिस करके देखना, बस अभी बताया मैंने, जैसे कि हाँ हम लेते हैं यहाँ पर, मान लिया मैंने लिखा सोडियम सल्फेट, क्या नाम लिखा, सोडियम सल्फेट। अब देखो सोडियम का क्या सिंबल होता है, Na, लिख दिया। SO4 का क्या होता है, सॉरी सल्फेट का क्या होता है, SO4। अब देखो सोडियम के ऊपर कितना चार्ज था, +1, तो मैंने लिख दिया। सल्फेट के ऊपर कितना था, 2 नेगेटिव। हाँ देखो ये लिखने की जरूरत नहीं है प्लस माइनस, ठीक है सिर्फ वैल्यू लिखो। फिर क्या करना होता है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो देखो Na के साथ में तो क्या आ गया 2। अब ये चीज याद रखना कि जो SO4 है ना ये पूरा का पूरा आपका इकट्ठा ही है, तो इसको अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं होती आपको। ठीक है, तो आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, आप इनसे ट्राई करके देखना और क्वेश्चंस। ठीक है।